नमस्कार दोस्तों, आज हम मैच कवर करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो पहला T20 मैच खेले जाने वाला है ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट इंडीज में। डेट के बारे में बात करें दोस्तों, 3 अगस्त को यह मैच खेले जाने वाला है शाम को 8 बजे। तो क्या आज की पिच रिपोर्ट रहेगी, कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट है, किसको कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई कर सकते हैं, क्या आज के मैच में हार्दिक पांड्या के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्या ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के ऊपर, तो दोस्तों पूरी अपडेट में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे 2-3 कैप्टन वॉइस कैप्टनसी भी बताऊंगा जो आज के मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। दोस्तों तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक T20 के मैच यहां पर काफी ज्यादा हो चुके हैं तो पिच आपको बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। दोस्तों टोटल इस पिच पर 34 मैच खेले जा चुके हैं। T20 के 16 मैच जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं, 18 मैच जो सेकंड बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं। एवरेज स्कोर आपको 137 के करीब देखने को मिल सकता है, हाईएस्ट स्कोर यहां पर 189 का है और लोएस्ट स्कोर ओनली 55 रन का है। दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, 150 से नीचे 19 बार स्कोर बन चुका है, 150 और 170 के बीच में 8 बार स्कोर बन चुका है, 170 और 190 के बीच में 7 बार स्कोर बन चुका है और 190 से ऊपर यहां पर एक बार भी स्कोर नहीं बना है। टोटल 34 मैचों में एक बार भी 190 से ऊपर स्कोर नहीं बना है। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, लास्ट के 5 मैचों के बारे में, तो दोस्तों पेसर्स को यहां पर 42 विकेटें मिल चुकी है, स्पिनर्स को यहां पर 28 विकेटें मिल चुकी है इस पिच पर। तो पिच की कंडीशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर रीसेंट मैचों के बारे में, रीसेंट में क्या यहां पर परफॉर्मेंस हुआ है। 2022 में यहां पर T20 मैच खेले गए थे, उसमें पहला मैच SLK वर्सेस TRK के बीच में हुआ, 7 विकेटें दोस्तों पेसर्स लेके गए, ओनली 5 विकेटें स्पिनर्स को मिली। फिर यहां पर BR वर्सेस GAW के बीच में मैच हुआ, 8 विकेटें पेसर्स को मिली और 10 विकेटें दोस्तों स्पिनर्स को मिली। फिर यहां पर JT वर्सेस TRK के बीच में हुआ, 8 विकेटें पेसर्स को मिली और 5 विकेटें स्पिनर्स को मिली। एक ही मैच है जिसमें स्पिनर्स को ओनली 2 विकेटें मिली है, लगभग मैचों में 3 मैचों में 2 मैचों में तो आप लगा सकते हो 5-5 विकेटें मिली है और एक मैच में 10 विकेटें भी स्पिनर्स निकाल पाए हैं। तो स्पिनर्स के अकॉर्डिंग भी टीम क्रिएट करेंगे ग्रैंड लीग की, पेसर्स के अकॉर्डिंग भी क्रिएट करेंगे और यहां पर बैटिंग सेक्शन के भी अकॉर्डिंग यहां पर हमारी फाइनल टीम यहां से क्रिएट करके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचों के बारे में। दोस्तों 10 मैचों के बारे में बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में, तो 8 बार इंडिया की टीम ने विन किया है मैच को और वेस्ट इंडीज की टीम ने 2 बार मैच को विन किया है। रीसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कौन सी टीम यहां पर मैच विन करके आ रही है। अब बात कर लेते हैं हमारी फाइनली फैंटेसी टीम के बारे में, प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल या फिर आपको तिलक वर्मा, इन तीनों में से आपको यहां पर ओपनिंग बैट्समैन में देखने को मिल जाएगा या फिर ओपनर आपको शुभमन गिल देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों प्लेयर आज के मैच में ओपनर देखने को मिल सकते हैं। ईशान किशन के बारे में बात करेंगे, बैक टू बैक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, हेड टू हेड में दोस्तों 20 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहला मैच ODI का खेलने वाला है, उसका आपको यहां पर जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करके रखें लगातार अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में, रिसेंट में दोस्तों 50 रन है, फिर यहां पर फ्लॉप रहा लेकिन फिर यहां पर 98 रन की नाबाद पारी, हेड टू हेड वेन्यू पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसको आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों शुभमन गिल के बारे में बात करेंगे, रिसेंट में 34 रन, 7 रन, 39 रन, 129 रन, फिर यहां पर 42 रन, हेड टू हेड वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है और शुभमन गिल वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत ही यहां पर रन बहुत कम बनाता है, तो आप लगा सकते हो 7 यहां पर रिसेंट में 34 रन है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आप इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में आप ट्राई मत करना, 1-2 टीमों में ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग टीम में। संजू सैमसन के बारे में बात करेंगे, रिसेंट में 9 फिर 2 फिर 4, 48-66, लेकिन इसका जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 45 का एवरेज स्कोर है हेड टू हेड में और वेन्यू पे दोस्तों कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करेंगे, रिसेंट में 24-19-61 और 33-25, हेड टू हेड में 40 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे इसका 24 का एवरेज स्कोर है और ये T20 का बल्लेबाज है दोस्तों, ODI का नहीं है, T20 का है, तो आपको अच्छा खासा
परफॉर्मेंस करके देगा। आप इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में भी ट्राई कर सकते हो। ये प्लेयर आपको नंबर तीन पे भी बैटिंग करते हुए नजर आ सकता है। हार्दिक पांड्या आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, सीवीसी में आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। रिसेंट में 7 रन, फिर 5 रन, 1 विकेट, 21 रन, फिर 28 रन, 0 विकेट, फिर यहां पर एक मैच में 8 रन भी है। हेड टू हेड में 2 विकेट ले चुका है, पिच पर अभी तक कोई विकेट नहीं मिली है, एक ही मैच खेला है जिसमें 1 रन है, प्लस में हेड टू हेड में 16 की एवरेज स्कोर से बैटिंग सेक्शन से परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में अक्षर पटेल के बारे में बात करेंगे, रिसेंट में 1 रन, फिर यहां पर 15 रन, फिर 1 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 21 रन, 2 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 5 विकेट निकाल चुका है 2 मैचों में, 29 की एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे कोई यहां पर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके आ रहा है। हेड टू हेड में 11 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अर्शदीप सिंह के ऊपर थोड़ा डाउट है, शायद आज का ये मैच नहीं खेल पाएंगे, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। इसकी जगह कोई न्यू बॉलर आएगा, वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस 1 विकेट, फिर यहां पर 0-0 विकेट है, फिर यहां पर 1 विकेट है। हेड टू हेड में 7 विकेट ले चुका है और वेन्यू पे दोस्तों 2 विकेट निकाल चुका है 1 मैच में। उमरान मलिक बैक टू बैक फ्लॉप चल रहा है, लेकिन इसको इतने ज्यादा ओवर नहीं मिल रहे हैं जिससे ये 1-2 विकेट निकाल पाए। इसको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ओवर ही करवाए जा रहे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। T20 में शायद इसको पूरे 4 ओवर करवाने का मौका मिलेगा और हेड टू हेड वेन्यू पे इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मुकेश कुमार रिसेंट में 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर बैक टू बैक 2-2 विकेटें हैं, 1-1 विकेट है। हेड टू हेड और वेन्यू पे इसका भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये हमारा इंडिया का प्लेयर परफॉर्मेंस यहां से कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर बेंच प्लेयर के नाम, ठीक है दोस्तों, ये आपको आज के मैच में देखने को मिल सकते हैं। तिलक वर्मा रिसेंट में 43, 26, 26, 29 और 2 रन। हेड टू हेड में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर यहां पर मैंने आपको 11 प्लेयरों का जो प्लेइंग 11 दिखाया है उसमें से कोई नहीं खेलेगा तो ये आपको देखने को मिलेंगे कन्फर्म। यूजी चहल के बारे में बात करेंगे, 0-0, फिर 4-4 2 मैचों में, फिर 1 विकेट। हेड टू हेड में 6 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आवेश खान आज के मैच में आपको देखने को मिल सकते हैं, किसकी जगह, अर्शदीप सिंह की जगह। इसका रिसेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 1 में यहां पर फ्लॉप, फिर 3 विकेट। हेड टू हेड में 5 मैचों में ओनली 3 विकेट निकाल पाया है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रवि बिश्नोई रिसेंट में फ्लॉप है, फिर 2-2 विकेटें हैं, फिर फ्लॉप, लेकिन 6 मैचों में 11 विकेटें निकाल चुका है हेड टू हेड में और वेन्यू पे दोस्तों 2 विकेटें निकाल चुका है। तो ये 4 प्लेयर, शायद इनमें से आपको 1-2 प्लेयर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर पहले ही यहां पर दिखा दिए हैं बेंच प्लेयर जो आज के मैच में ये भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ड्रॉप कौन सा होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको अर्शदीप सिंह ड्रॉप देखने को मिल सकता है। वेस्ट इंडीज प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ब्रेडन किंग रिसेंट में 15, 17, 10, फिर यहां पर 1 मैच में शतक, फिर यहां पर 22 रन। हेड टू हेड में ओनली 23 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। केएल मायरस रिसेंट में 36, फिर 2, फिर 18, फिर 2 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 56 रन, 1 विकेट। हेड टू हेड में 22 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे 15 का एवरेज स्कोर है। सीवीसी में भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये भी T20 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। IPL में आपने देखा होगा लखनऊ की टीम से खेल रहा था, अच्छा खासा यहां पर परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं चार्ल्स के बारे में, रिसेंट में 39, फिर 4, फिर यहां पर फ्लॉप है, फिर 54 रन है, फिर 1 विकेट है। हेड टू हेड में 58 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेड टू हेड में अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 58 का एवरेज स्कोर से बैटिंग करता है, नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। निकोलस पोरन रिसेंट में यहां पर जो मेजर लीग चली हुई थी 137 रन नाबाद बना के आ रहा है दोस्तों, फिर 23, फिर 1, फिर 68, फिर 62 रन नाबाद है। हेड टू हेड में 32 का एवरेज स्कोर है और वेन्यू पे ओनली 18 का एवरेज स्कोर है। सीवीसी में भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, T20 में 137 रन नाबाद मार के आ रहा है दोस्तों, मेजर लीग की जो अभी स्टार्ट हो रही थी। सिमरन हेटमायर रिसेंट में 9 रन, 11 रन, 36 रन, 23 रन, 46 रन। हेड टू हेड में 22 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे इसका 14 का एवरेज स्कोर है। ये भी आपके लिए एक्सपीरियंस यहां पर बल्लेबाज है, इसको भी T20 में अच्छा खासा यहां पर परफॉर्मेंस करता है, IPL में आपने देखा होगा। रोमन पॉल रिसेंट में 4, फिर 1, 29, 0, फिर 105। हेड टू हेड में 26 का एवरेज स्कोर है और वेन्यू पे दोस्तों 14 का एवरेज स्कोर है। तो ये यहां से आपको कंप्लीटली वेस्ट इंडीज का प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। जेसन होल्डर रिसेंट में 45 रन, 1 विकेट।
8 रन 1 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 16 रन 3 विकेट, 56 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में 7 विकेट हैं इसके नाम, वेन्यू पे 1 विकेट है, एक ही मैच खेला है, बैटिंग से 9 की एवरेज स्कोर है हेड टू हेड में दोस्तों। यहां पर रस्तोन चेस रिसेंट में 1 रन फिर 0 विकेट फिर 3 विकेट, 44 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में 6 विकेट, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रोमिरो सैफर्ड रिसेंट में 3 विकेट लेके आ रहा है ओडीआई मैच में, हेड टू हेड में दोस्तों 2 विकेट निकाल चुका है और वेन्यू पे इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 29 के एवरेज स्कोर से बैटिंग सेक्शन है। एकल होशन इंपोर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, ये आपको जरूर ट्राई करना है क्योंकि बैक टू बैक विकेट है। अलजारी जोसफ भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर है, हेड टू हेड में 4 विकेट 6 मैचों में और अलजारी जोसफ ने 4 मैचों में 5 विकेट, दोनों 1-2 विकेट निकाल चुके हैं वेन्यू पे भी दोस्तों। दोनों का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करेंगे T20 में। अब बात कर लेते हैं यहां पर बेंच प्लेयर आज के मैच में कौन से रहेंगे जो वेस्ट इंडीज के रहेंगे। एस होप रिसेंट में 63 फिर 43, 2 रन 63 रन 13 रन, हेड टू हेड में 13 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ओडन स्मिथ रिसेंट में 37 रन 1 विकेट 2 विकेट फिर यहां पर 11 रन 1 विकेट 5 रन 2 विकेट 17 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 3 विकेट 5 मैचों में और वेन्यू पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं थॉम्स, ठीक है, रिसेंट में फ्लॉप फिर 3-3 विकेट बैक टू बैक फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में 7 विकेट है, वेन्यू पे इसका भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ओशी मकोए रिसेंट में 0 फिर यहां पर 1 विकेट फिर यहां पर 0 फिर यहां पर 1 विकेट, हेड टू हेड में 9 विकेट इसके नाम है और वेन्यू पे 1 विकेट है। तो अगर जो मैंने वेस्ट इंडीज का आपको प्लेइंग 11 दिखाया है उसमें से कोई प्लेयर नहीं खेलेगा तो आपको इन प्लेयरों में से कोई खेलता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने ग्रैंड लीग टीम के हर एक डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं ताकि कोई न्यू बॉलर आ जाए या आप ये लगा लो कि ओडन स्मिथ आपको खेलते हुए नजर आ जाए, आपको यहां पर रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं पता, हेड टू हेड में क्या परफॉर्मेंस है, वेन्यू पे इसका क्या परफॉर्मेंस है, तो आप इसको जो ट्राई करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से आप इसको ट्राई करोगे ग्रैंड लीग टीम में। लेकिन अब आपका जो भी डाउट है क्लियर हो गया है, मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है रिसेंट में क्या परफॉर्मेंस करके आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के और वेस्ट इंडीज के फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर जो आज के मैच में हर कोई यूजर ट्राई करेगा। इधर ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, निकोलस पुरन, हेटमायर, जेसन होल्डर और अलजारी जोसफ, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो आपको ड्रीम टीम में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जो मुझे लगता है या कुलदीप यादव ड्रॉप मिलेंगे, रवि बिश्नोई या यूजी चहल में से खेलते हुए नजर आएगा। और अगर इधर बात करें इसमें से आपको हर कोई प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकता है। जेसन होल्डर शायद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो मैं आपको अपडेट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब बात कर लेते हैं हमारी फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में। तो कैप्टनसी मैंने यहां पर यशस्वी जायसवाल को ट्राई किया है, वो इस कैप्टनसी निकोलस पोरन को रखने वाला हूं। केएल मायरस और हार्दिक पांड्या को ट्राई किया है, कुलदीप यादव और एकल होशन और अलजारी जोसफ, ये मेरी फाइनली फैंटेसी टीम रहेगी दोस्तों। और कोई अपडेट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना आने वाली अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।